एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन आज इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई वर्सेस आईएससी एक जल्दी से समझेंगे कि एक वीडियो में एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे इन दोनों बोर्ड्स में हमें क्या-क्या डिफरेंसेस मिलते हैं क्या दोनों बोर्ड्स ऑफर करते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई सी एस ई सो आई सी एस ई स्टैंड्स फॉर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो आई सी एस ई का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट वॉज मेड टू प्रोवाइड एन एग्जामिनेशन इन जनरल एजुकेशन कोर्स इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 तो ये 1986 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको भी फॉलो करता है उसके इन लाइन है मतलब उसके इन अकॉर्डिंगस है फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं आईसीएसई बोर्ड के सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं हिंदी मीडियम स्कूल्स नहीं होते है. अब अगर मैं आपको बताऊँ तो आई कोई बोर्ड नहीं है बोर्ड सी आई है एंड उसकी जो एग्ज़ामिनेशन होती है फॉर टेंथ क्लास टेंथ क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होती है उसको आई बोलते हैं एंड जो ट्वेल्थ क्लास की होती है उसको आई बोलते हैं सो द बोर्ड इज सी आई एस सी ई एंड उसकी दो एग्जामिनेशन हैं जिसके दो अलग अलग नेम्स हैं सी बी एस ई एक बोर्ड है एंड सी आई एस ई एक बोर्ड है तो आई सी कोई भी बोर्ड नहीं है ये सिर्फ एग्जामिनेशन है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए सी बी एस ई स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो ये सी बी एस ई है ये बोर्ड है एक एंड इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इट is अ नेशनल लेवल इंडियन एजुकेशन बोर्ड मेंट फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक schools रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड by द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट तो सी बी एस ई रेगुलेट भी होता है मतलब रन भी उसको गवर्नमेंट ही करते हैं ऑपरेट मतलब रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड बाय आर गवर्नमेंट एंड ये पब्लिक स्कूल भी होते हैं प्राइवेट स्कूल भी होते हैं तो सी बी एस ई एक बोर्ड है वेर एज आई सी एस ई बोर्ड नहीं है बोर्ड है सी आई एस सी ई नाव ही हैव वॉट इज़ आई सी एस सी बोर्ड सो आई सी एस सी इज नॉट अ बोर्ड हमने पढ़ लिया हमने समझ लिया है कि आई सी एस ई बोर्ड नहीं होता रादर इट इज़ एन एग्जामिनेशन कंडेड बाई द काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अशनल लेवल बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया तो हमने समझ लिया इसका डिफरेंस ऑलरेडी कि जैसे सी बी एस ई बोर्ड है वैसे सी आई एस ई बोर्ड है बट आई सी एस ई कोई भी बोर्ड नहीं है आई सी एस ई सिविक एग्जामिनेशन है जो सी आई एस सी ई कंडक्ट करता है टेंथ क्लास स्टूडेंट्स के लिए अब अगर हम ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो उनके लिए अलग वर्ड यूज़ किया जाता है जो होता है आई एस सी आई एस सी एंड आई सी एस ई होता है क्लास टेंथ तक के लिए दे कंडक्ट टू एग्जामिनेशन इन इंडिया नेम ली दी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन आई सी एस ई एंड द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आई आई एस सी ई तो हम लोगों ने यह सब समझ लिया कि आई सी एस सी एंड आई एस सी क्या होता है फॉर क्लासेज टेन एंड ट्वेल्व रिस्पेक्टिवली सो टेंथ तक आई सी एस सी होता है एंड इलेवन ट्वेल्थ के लिए हम लोग आई एस सी यूज़ करते हैं ब्रॉडली तो बोर्ड सी आई एस सी है जैसे सी बी एस ई बोर्ड है वैसे सी आई एस ई बोर्ड है एंड सी आई एस सी के अंडर टू एग्जामिनेशन जो टेंथ एंड ट्वेल्थ की कंडक्ट होती है उसके लिए आई सी एस सी एंड आई एस सी यूज़ किया जाता है

बोर्ड है तो बोर्ड सी आई एस सी है एंड आई सी एस ई से वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उसका नेम है वॉट इज दी बी एस ई बोर्ड सो दी बी एस ई मतलब दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और दी बी एस सी इज अ नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स इट इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई द इंडियन गवर्नमेंट तो ये मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है इंडियन गवर्नमेंट मैनेज करता है एंड इसमें प्राइवेट स्कूल भी होते हैं एंड पब्लिक स्कूल भी होते हैं दोर्ड गिवस एफिलियन टू रफली ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड स्कूल इन इंडिया एंड फोर एंड टू फोटी स्कूल्स इन फॉरिन कंट्रीज तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फोर स्कूल तो इंडिया में ही है एंड टू फोर्टी स्कूल इंडिया के बाहर है दी सी बी एस ई इज़ अमंग दी मोस्ट पॉपुलेश पॉपुलर एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया एंड स्कूल एफिलेटेड टू सी बी एस ई स्ट्रिक्टी फॉलो दी एन सी आर टी करिकुलम तो सी बी एस ई स्कूल में या तो एन सी आर टी फॉलो होती है या अगर कोई और पब्लिकेशन की बुक फॉलो हो रही है तो उसमें एन सी आर टी का करिकुलम डायरेक्टली फॉलो था मतलब चैप्टर्स एनसीआरटी वाइज ही रहेंगे भले क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो बट जो करिकुलम है जो कॉन्सेप्ट हैं वो एनसीआर में ही होते हैं जो सी बी प्रिस्क्राइब करके देता है अब डिफ्रेंस बिटवीन सी बी एस ई एंड आई सी एस सी स्कूल्स सो पॉइंट ऑफ कम्पेरिजन क्या है नंबर ऑफ़ स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्ज़ामिशन ये डेटा 2020 के बेसिस पर है तो 2020 में आई सी एस ई में टू लाख रफली स्टूडेंट्स अपियर हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड सी बी एस ई में एटीन लाख तो ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली नाइन टाइम्स से भी ज़्यादा है अब आई सी एस पास परसेंटेज थी नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मतलब ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट दुख के बच्चे जो रह गए जो पास नहीं हो पाए वो बचे थे बस मेजोरिटी स्टूडेंट्स तो आई वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो ही गए थे फिर आज सी में नाइन्टी वन पॉइंट फोर सिक्स स्टूडेंट्स ही पास हुए थे तो मतलब बहुत सारे बच्चे सी बी एस ई के एग्जाम में फेल होते हैं नंबर ऑफ़ एफिलेटेड स्कूल्स तो 2300 हमने पढ़ा होते हैं आई में एंड सी बी में 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं एंड 240 स्कूल्स इंडिया के बाहर भी हैं अब अगर हम वही डिफरेंसेस कंटिन्यू करें तो अगर हम सिलेबस डिफ़िकल्टी की बात करें तो आई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू सी बी का सिलेबस थोड़ा सा ईजी है एंड आई का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है सिलेबस स्ट्रक्चर इसका वास्ट है एंड इसका कम्पैक्ट है तो वास्ट एंड कम्पैक्ट इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आई में हाई हो जाते हैं एंड सी में लो हो जाता है वो हाई इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सिक्स सेवन से आई स्कूल्स में साइंस एंड हिस्ट्री सिविक्स सेपरेट कर देते हैं मतलब साइंस की जो तीन ब्रांचेस हैं पीसीबी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वो तीनों अलग बुक्स में होते हैं उनके एग्जामिनेशंस भी अलग होते हैं एंड सेम होता है हिस्ट्री एंड जोग्रफी के लिए बहराज सी बी एस ई में क्लास टेंथ तक आपके पास साइंस का भी एक ही एग्ज़ाम होता है एंड हिस्ट्री जोग्राफी का भी एक ही एग्ज़ाम होता है तो सी बी एस ई में राउंड ऑफ़ करके सिक्स टू सेवन मतलब फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं वेरस आई सी एस ई में नाइन टेंथ के जो बोर्ड एग्जाम मतलब बोर्ड होते हैं टेंथ क्लास में उसमें अराउंड टू अराउंड टेन टू इलेवन सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास होते हैं ट्रांसफरेबिलिटी तो इसमें लो है मतलब जो स्कूल चेंज करने की चांस लो है क्योंकि मे बी आपकी सिटी में सिर्फ एक ही सी बी आई सी आई सी स्कूल हो तो आप लो नहीं कर सकते हैं इसमें हाई होती है क्योंकि ऑप्शन आपके पास होंगे ही होंगे सी बी एस ई स्कूल ज़्यादा कॉमन है प्राइवेट कैंडिडेट्स अलाउड तो इसमें नो no है एंड इसमें येस yes है तो इसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होते हैं एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इसमें सिर्फ इंग्लिश होता है एंड इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों होता है अगर आपने कभी सी बी एस ई का बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें पहले क्वेश्चन इंग्लिश में होता है फिर हिंदी में होता है मतलब दोनों लैंग्वेजेज में स्कूल्स हैं सी बी एस ई जो फॉलो करते हैं एन सी आर टी बहराज अगर हम बात करें आई की सो ओनली इंग्लिश मीडियम होता है यहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़ाई नहीं चलती है ग्लोबल रिकग्नेशन तो इसका हाई ग्लोबल रिकग्नेशन है मतलब अक्रॉस वर्ल्ड अक्रॉस दी ग्लोब आई को थोड़ा सा रिकोगनाइज लोग ज़्यादा करते हैं बिकॉज ये फॉरेन से एफिलेटेड ही कोर्स चलता है एक एंड सीबीएसई का मीडियम है बिकॉज ये इंडियन गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट करती है इसकी इम्पॉर्टेंस सीबीएसई बी एस की इम्पोर्टेंस इंडिया में ज़्यादा है एंड आई सी आई सी एस ई के इंपॉर्टेंस इंडिया के बाहर ज़्यादा है फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज तो आई सी एस ई में प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस भी ज़्यादा होता है एंड सी बी एस ई पे मिनि मीडियम uh, होता है मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कि थ्योरी से हट के मतलब आइडिया ये होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए उस प्रा उसकी प्रैक्टिस पर इसमें पढ़ाई चलती है सी बी एस ई में यहाँ पे आपको आंसर की लेंथ पे फोकस करना पड़ता है अब धीरे धीरे पैटर्न थोड़ा एम सी क्यू की तरफ जा रहा है पर पहले तो आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी आई सी एस ई में थ्योरी थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जे ई ई एंड नीट प्रिपेरनेस तो इसमें मीडियम होती है एंड इसमें हाई होती है मतलब सी बी एस ई स्कूल्स में बच्चे को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो सी बी एस ई के थ्रू अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाए एंड आई सी एस ई में इन एग्ज़ाम्स को थोड़ा फोकस कम दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स तो हाई होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आई सी एस ई के स्कूल के स्टूडेंट्स की एंड सी बी एस ई स्कूल के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कम होती है इंटरनल असेसमेंट वेटेज तो आई में इंटरनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वह सी में ये चीज़ थोड़ी सी लो होती है अब सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी तो आई में सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है बच्चे नाइन्थ में आके मैथ्स भी ड्रॉप कर देते हैं एंड साइंस भी ड्रॉप कर देते हैं सी में इलेवेंथ से ये ऑप्शन होते हैं बट आई सी में नाइन्थ से ही बच्चे मैथ साइंस छोड़ के कॉमर्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे एनवायरमेंटल साइंस ले लेते हैं तो सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लो होती है सी बी एस ई केस में इवेल्यूएशन और चेकिंग सो आई सी एस ई में जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है बहराज सी बी एस ई में जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी लीनियन होती है अब टाइप ऑफ बोर्ड तो ये प्राइवेट है एंड ये गवर्नमेंट बेस्ड है तो गवर्नमेंट हमने सब पढ़ा कि सी पूरा गवर्नमेंट रेगुलेटेड है एंड स्कूल फीस की अगर हम बात करें तो आई सी स्कूल्स की थोड़ी सी हाई होती है मेरे सी बी स्कूल्स की थोड़ी सी लो होती है अब स्टूडेंट्स एनरोल तो स्टूडेंट्स हमेशा आई सी बोर्ड में थोड़े से नंबर में कम होते हैं हर क्लास में थर्टी टू थर्टी फाइव स्टूडेंट्स होते हैं इससे ज़्यादा नहीं लेते एंड अगर हम बात करें सी की तो डिमांड ज़्यादा है इस इस बोर्ड की तभी हर क्लास में बहुत सारे स्कूल्स में 60 65 स्टूडेंट्स भी होते थे अब नंबर थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है बट एक टाइम पे 60 60 स्टूडेंट्स भी होते थे अब एडवांटेजेस क्या है सी बी एस ई बोर्ड के सो पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जे ई ई एंड नीट आर बेस्ड ऑन दिलेबस ऑफ सी बी एस ई बोर्ड एंड फॉलो दी एन सी आर टी टेक्सट बुक तो जे ई ई आई आई टी के लिए जो क्लियरेंस एग्जामिनेशन होते हैं मेडिकल के लिए जो क्लियरेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो एन सी आर टी बुक पे बेस्ड होते हैं तो so, अगर आप एन सी आर टी बुक से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प मिलेगी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में सी बी एस ई बोर्ड सिलेबस इज़ कंसिडर्ड टू बी मच ईजियर देन आई सी एस ई सिलेबस तो सी बी एस ई का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ईजी माना चाह ईजी माना जाता है आई सी एस ई से अगर हम कंपेयर करें बट अगर हम एक ओवरव्यू से बात करें तो इलेवन ट्वेल्थ में बाद घुमा फिरा के सेम पढ़ते क्योंकि आई सी एस सी स्कूल्स में भी इलेवन ट्वेल्थ में एन सी आर टी रेफ़र करी जाती है थोड़े बहुत क्वेश्चन में डेफ़िनेटली एन सी आर टी आई सी एस सी स्कूल्स में भी रेफ़र करी जाती है दी सी बी एस ई सिलेबस हैज़ मोर अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड फ्यूअर सब्जेक्ट्स तो आई सी बी एस ई में सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं वेर एज आई सी एस ई में सब्जेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते, है. so, होते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स आर नॉट मैंडेटरी इन सी बी एस ई बोस्ट तो यहाँ पे सब्जेक्ट की चॉइस भी नहीं होती है सब्जेक्ट्स थोड़े से कम होते हैं वेर आई सी एस ई में सब्जेक्ट्स का नंबर हमने डिस्कस किया कि टेन टू इलेवन होता है जो एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अब आई सी एस ई के एग्जाम्पल्स क्या है ICIC lays a strong emphasis on English as

तो तभी इनको आइल्स देने में जो बहुत सारी कंट्रीज जैसे कैनेडा वगैरह में ये दोनों एग्जाम्स बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं कॉलेजेस में तो आई आइल्स एंड टॉफ़िल क्रिएट क्लियर करना आई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है क्योंकि उनके स्कूल में एनवायरमेंट हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग पर ही फोकस करता है आई सी एस ई स्टूडेंट्स टेन टू परफॉर्म वेल इन स्कॉलरशिप एग्जामिशन दैट आर बेस्ड ऑन इंग्लिश तो आई सी एस सी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एग्जामिशन में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं जो इंग्लिश पर मतलब इनका कमांड आई सी एस ई स्टूडेंट्स का कमांड इंग्लिश में तो बहुत अच्छा रहता ही रहता है एंड आर मोर इन लाइन विद द वर्ल्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तो अब जैसे इंग्लिश ग्लोबली रिकोगनाइज है इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो ग्लोबली आपका कमांड मतलब लैंग्वेज पे अच्छा है तो आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने की चांसेस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ़ योर स्पीकिंग स्किल्स या बिकॉज ऑफ योर ग्रामर स्टूडेंट्स अंडर आई सी एस ई टेन टू डू वेल इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज बेस्ड करियर्स तो आई सी एस सी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये लिटरेचर एंड लैंग्वेज बेस्ड करियरस में अच्छे होते हैं वेराज सी बी एस ई बेस्ड स्टूडेंट्स साइंस एंड मैथ्स में मतलब आई आई टी एंड नीट वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा एक कमांड होल्ड करते हैं सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ऐसी और वीडियोस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को जल्दी से फॉलो करो सब्सक्राइब करो मैग्नेट ब्रेंस प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन सी बी एस ई के लिए हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करो एंड बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे साथ सिक्योर करो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग